हाँ तक तो बहुत इसी का शहर था, अभी दुकान है ना, भीड़ लगल रहता था एकदम। यहाँ माले सप्लाई हो गए साहेब, कुल छोड़ से पंगा हो गया, कुल माले एकदम देने तेने जे आया खाते गया, जे जी एम आया बेचते गया, चलेगा। कंपनी को यहाँ का यूनियन बेच के खा गया। अच्छा, कंपनी बंद नहीं हुई है अभी, फिर सेंटर सरकार बिहार सरकार में एक खाना चालू है, मैं यहाँ का यूनियन ने इसको बेच दिया। यूनियन ने बेच दिया। हाँ नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार झारखंड, मैं हूँ अमित कुमार। इस समय मैं मोकामा विधानसभा में हैं और विधानसभा चुनाव की कवरेज लगातार आपको दिखा रहे हैं, और इस समय आप बाटा फैक्ट्री के सामने मौजूद हूँ। आप हमारे पीछे तस्वीर देख सकते हैं कि ये बाटा का फैक्ट्री है, जिसकी जो हालत है ये आज बंद हो चुकी है, और आज इसकी तस्वीर आप देख सकते हैं कैसा इसका हाल हो गया है। एक बार तस्वीर दिखा देते हैं हम आपको, कैसा इसका हाल हो गया है बाटा कंपनी का, और आज यहाँ पर ये किस हालत में ये कंपनी है, आप अगर तस्वीर देख सकते होंगे, ये बाटा कंपनी है। और आज यहाँ देखिए घास जन्म ले चुका है। देखिए यहाँ पर एक अंकल है, उनसे जानते हैं, कभी आप भी बाटा का चप्पल पहनते थे, आज भले दूसरे ब्रांड कोई पहने, लेकिन बाटा का चप्पल पहनने में और अन्य ब्रांड चप्पल पहनने में क्या अंतर होता है? और उतना हम लोग को हम खाली पहनते थे अच्छा, तो उस समय बाटा का चप्पल और अभी अच्छा विकसित था, पूरा विकसित था, यहाँ के लोगों को काम भी मिलता था ना। हाँ ये बंद कब हो गया था? बंद हुआ है 13 या 14। अब बाटा का चप्पल पहनने का मन नहीं करता होगा? अब चप्पल पहनने का मन नहीं करता और तब चल ये नहीं रहा है बंद है। यहाँ और लोगों से हम बात करते हैं। देखिए हम यहीं फैक्ट्री के बगल में एक दुकान है, अगर दुकान तस्वीर दिखा दिए, होटल है। और इस होटल की तस्वीर दिखा दिए, यहाँ जो मिठाई से लेकर के खाना का सामान मिलता है, और हम यहाँ पहुँचे हैं। और यहाँ पर देखिए चाचा है, यहाँ पर स्थानीय है यहाँ के, इनसे जानते हैं। अच्छा बाटा के बारे में बताइए, कंपनी बाटा कंपनी बंद हो गया तो क्या होता नहीं? एक समय आप उस समय अभी आप लोग दूसरे ब्रांड का चप्पल पहनते हैं, उस समय अभी उसी बटे का चप्पल पहनते थे, जूता बटे का, बटे का जूता। हाँ अब बाटा का चप्पल पहनने का मन नहीं करता? नहीं अब नहीं करता है। अब तो बहुत कंपनी रात बढ़िया बढ़िया आ गया था। नहीं आपके इलाके में बाटा का फैक्ट्री था? हाँ तखना तो बहुत इसी का सेल था, अभी दुकान है ना, भीड़ लगल रहता था एकदम जूता ले। अभी एतवार का ना छुट्टी में दुनिया भर गाड़ी आदमी चप्पल और जूता लेने के लिए। अच्छा बंद कब हो गया? बंद हो गए 4 साल हो गए। कहे बंद हो गया था इसका? यहाँ माले सप्लाई हो गए साहेब, कुल छोड़ से पंगा हो गया, कुल माले एकदम देने तेने जे आया खाते गया, जे जी एम आया बेचते गया, चलेगा कहाँ से? मतलब जो आया सब खाते गया, खाते गया जिसका पावर था। देखिए यहाँ दुकानदार हैं, इनसे भी जानते हैं, कभी आप भी बाटा का चप्पल पहनते थे, आज बाटा क्योंकि आपके क्षेत्र का लोकल आपका चप्पल मिलता था यहाँ पर बाटा का, क्या कहेंगे आज दूसरे ब्रांड का चप्पल पहनते, कैसा लगता है? नहीं नहीं लगा क्या, महंगा भी चप्पल हो गया बाटा का। दूसरी बात है कि और सब जो ब्रांड है थोड़ा इससे कम है। अच्छा और क्या देखिए बाटे का है, बाटा का ही। अच्छा बाटा उस समय और अभी में क्या अंतर हो गया होगा दूसरे ब्रांड में चप्पल में? नहीं नहीं बाटा बाटा है, अंतर क्या होगा, अपना अपना प्रोजेक्ट सबका, अभी भी बाटा सबसे एक नंबर पौधान पर है। कॉस्ट तो मानते हैं कि सब कुछ का बढ़ा है तो बाटा का क्यों नहीं बढ़ेगा, उस हिसाब से भी बाटा कंपनी का जैसा आज तक कोई चप्पल नहीं बनाया और अभी भी नहीं बना रहा है। अच्छा आपका लोकल यहाँ कंपनी खुली होगी तो बहुत खुशी होगा? लोकल कंपनी खुली थी क्या, खुशी की कोई बातें है ये, इसलिए कि जिस जगह पर फैक्ट्री खुलेगा तो खुशी की बात ना है, आज बंद हो गई। अब इसकी अंदरूनी मामला है सरकार के साथ हो या यूनियन के साथ हो, हम लोग इसके बारे में पूरा अंदरूनी बात क्या बता सकते हैं, है या नहीं है। हाँ। अच्छा यहाँ तो जब बाटा कंपनी खुली होगी तो यहाँ तो लोग को रोजगार भी मिला होगा? बिल्कुल रोजगार मिलेगा, जब बंद होगी तो रोजगार खत्म होगा, रोजगार तो बहुत बढ़िया रोजगार था यहाँ। हाँ देखिए यहाँ और भी लोग इनसे जानते हैं, क्या नाम हुआ आपका? मामा झारी माम। अच्छा इमाम, अच्छा ये बाटा कंपनी अभी कुछ बोल रहे थे, क्या कहाँ बंद हो गया था? बाटा कंपनी को यहाँ का यूनियन बेच के खा गया। अच्छा कंपनी बंद नहीं हुई है अभी, फिर सेंटर सरकार बिहार सरकार में एक खाना चालू है, मैं यहाँ का यूनियन ने इसको बेच दिया। यूनियन ने बेच दिया? हाँ। अच्छा चुनाव का समय है, थोड़ा सा चुनावी माहौल भी जान लेते हैं यहाँ से कि क्या लगता है। यहाँ पर जो है दो दो कैंडिडेट हैं, बीजेपी से सोनम देवी हैं, आरजेडी से नीलम देवी हैं,
क्या लगता है कौन जीतेंगे इस बार? ये परफेक्ट हम कैसे बता सकते हैं, फिर भी तभी की बात है, क्या माहौल है, माहौल क्या है? माहौल क्या माहौल तो बराबर का है, बराबर का है। क्या लगता है दोनों एकदम टक्कर? जो अगर 19 भी जो होगा सो होगा, और क्या होगा, चाहे वो जीते चाहे ये भी, हम क्यों किसी को कह दें कि भाई ये जीत रहे हैं, क्योंकि हम तो एक वोट के मालिक हैं। है या नहीं है? अच्छा कुछ तो लगता होगा ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं लग रहा, अब सरकार है उनकी, अब जो चाहेंगे करेंगे और क्या कहेंगे। वोट आप ही लोग दीजिएगा तो कम से कम 200 लाख की आबादी इस क्षेत्र में किसके दिल के अंदर क्या है वो हम क्या बता सकते हैं, अपनी बात बता सकते हैं, जो बताएंगे जो बताए हैं सो। अच्छा ये बताने में डर कहीं लग रहा है कि? नहीं, डरने का क्या सवाल है, डर के क्या, कौन हमारा क्या बिगाड़ेगा जो डरने की बात कर रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। क्या लगता है कौन जिनको चाहेंगे वो जीतेंगे? दो कैंडिडेट जरूर खड़े हैं, ये तो देखा हुआ चीज़ है, दोनों में कोई भी एक ही जीतेंगे, दो तो नहीं जीतेंगे, तो जीते जनता के ऊपर निर्भर करता है। देखिए यहाँ पर ये इनसे भी हमने बात किया था, अभी आप क्या नाम बताए थे? अजहर इमाम। अजहर इमाम जी थे। अच्छा आप भी यहाँ के स्थानीय हैं, आप भी वोट दीजिएगा जरूर। क्या लगता है यहाँ पर ये दो दो कैंडिडेट खड़े हैं, कौन लगता है कौन जीत रहे हैं? अब कौन लगता है कौन जीतेंगे वो तो समय आने पे 6 तारीख को देखिएगा कौन जीतेगा। फिर क्या बोले, समय आने पे 6 तारीख को देखिएगा कौन जीतेगा, जो यहाँ काम किया होगा वो जीतेगा। कौन काम किया था यहाँ पर? आए कौन काम किया, कौन काम किया? हाँ यहाँ तो कोई आज तक ला काम नहीं किया है, MP हो या MLA हो, वोट पड़ रहा है ना, वैसे पड़ेगा, किसको जीतने का होगा जीतेगा। क्या लगता है यहाँ दो दो कैंडिडेट खड़े हैं, BJP अलग कैंडिडेट है, RJD से अलग लोग हैं, क्या लगता है किनका है, किनके तरफ? RJD के तरफ जा रहा है, ज्यादा रिधान सिंह है, अनंत सिंह के तरफ। हाँ है बाटा चप्पल हम कभी पहने नहीं सर, तो हम कैसे बोल दे कि? अच्छा कभी नहीं पहने? कभी हम नहीं पहने। का है चप्पल की कीमत पड़ता है 400-500 रुपया, हम गरीब आदमी उठा कमाने वाला, हम कहाँ से करेंगे? आप के क्षेत्र के फैक्ट्री से आपके क्षेत्र में चप्पल बनता था? जी पहले बनता था, अभी बनने के लिए तैयारी नहीं है। अच्छा पहले बनता था? जी जिस समय बनता था उस समय पहनते होंगे? एक दफ़ा पहने थे, उसके बाद फिर दोबारा हम नहीं पहने थे। आप दूसरा चप्पल पहनते हैं? जी। देखिए यहाँ के लोग थे और अभी हम थे बाटा कंपनी के सामने थे, और यहाँ के स्थानीय लोगों से हम जान रहे थे कि क्या कुछ चुनाव का माहौल, क्योंकि चुनाव है तो चुनाव की भी माहौल हम जान लेते हैं। उसके बाद बाटा कंपनी है तो लोगों को जो है कभी बाटा का चप्पल लोग पहनते थे, और बताया जाता है कि कभी यहाँ इसी कंपनी का जो है बाटा का जो है चप्पल PM और CM भी पहनते थे, और अब आज तो बाटा कंपनी बंद ही हो गई है, तो फिलहाल अब कुछ है नहीं, लेकिन चुनावी माहौल भी लोगों से हमने जान लिया था। लोग कुछ लोग जो है कह रहे थे कि दोनों बराबर हैं, तो कुछ लोग कह रहे थे कि अनंत सिंह जीत रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी चुनाव में कौन जीतते हैं, लेकिन जो भी जीते कम से कम ये फैक्ट्री चालू जरूर हो जाना चाहिए, ताकि यहाँ के जो लोग बेरोजगार हो गए हैं उन लोगों को भी रोज़गार मिल सके।